जब भी हम ए यू ओ एल एन आर के साउंड के पहले और यहाँ पर आई का साउंड लॉन्ग है वो है आई तो इसे कैसे पढ़ेंगे इंग्लिश एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है और वो हिंदी से काफी डिफरेंट है अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इसके स्पेलिंग रूल्स जानना काफी जरूरी हो जाता है जिससे आपको स्पेलिंग को लिखने में और पढ़ने में काफी मदद मिलती है और उसके साथ साथ स्पेलिंग्स को लर्न करने में भी काफी मदद मिलती है इस वीडियो में हम फाइव ऐसे रूल्स देखने वाले हैं जो आपके और आपके बच्चों को इंग्लिश रीड करने एंड राइट करने में काफी हेल्प करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई नेवर कम्स एट द एंड ऑफ एनी वर्ड लेटर आई कभी भी किसी वर्ड के एंड में नहीं आता है अगर वो इंग्लिश वर्ड है तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके एंड में आई आता है जैसे ब्रोकली ब्रोकली एक इंग्लिश वर्ड नहीं है इसीलिए उसके एंड में आई आ, आ रहा है सो so हार्डली कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में आई आता है अदरवाइज अगर कहीं भी आप आई का साउंड सुन रहे हैं सो so वहाँ हमें वाई लिखना होता है हम लोग बच्चों को लेटर आई के दो साउंड सिखाते हैं एक शॉर्ट साउंड होता है जो ई e होता है और एक लॉन्ग साउंड होता है जो आई होता है हम बच्चों को सिखाने के समय में ऐसा सिखाते हैं आई नेवर कम्स एट द एंड ऑफ एनी वर्ड बिकॉज आई इज शाई आई हमेशा अपने बिग ब्रदर वाई को भेज देता है क्योंकि उसके आर्म्स स्ट्रांग होते हैं जैसे आप ये दो आर्म्स बच्चों को बता सकते हैं कि ये एक आम है ये दूसरा और ये बहुत स्ट्रांग होता है इसीलिए वो अपने सिस्टर को हेल्प करने के लिए आता है और जहाँ भी हमें आई के लॉन्ग या शॉर्ट साउंड सुनाई दे रहे हैं वहाँ दोनों ही जगह एंड में हम वाई लिखेंगे नॉट आई ये एक स्पेलिंग रूल है और ये अगर हम बच्चों को सिखा और समझा देते हैं तो बच्चे काफी इजीली स्पेलिंग लिख पाते हैं और रीड भी कर पाते हैं तो आपको भी ये रूल याद रखना है और बच्चों को भी सिखाना है नेक्स्ट स्पेलिंग रूल इज वेन वाई कम्स एट द स्टार्टिंग इट टेक्स इट्स ओन साउंड वाई के थ्री साउंड होते हैं एक तो आई ई e, और वाई का खुद का जो साउंड है वो य है बट वो जब अपने सिस्टर आई को हेल्प करने के लिए आता है उस समय वो आई और ई बोलता है लेकिन उसका जो ओन साउंड है वो यही है आई अगर हम कहीं पे स्टार्टिंग में देख रहे हैं तो उसे हमें यह पढ़ना है हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ई है या आई है ये साउंड होता है जैसे कि यस येट हमारा नेक्स्ट स्पेलिंग रूल है मैजिक ई और साइलेंट ई मैजिक ई e और साइलेंट ई e का मतलब क्या होता है वो हम पहले समझते हैं साइलेंट ई e, मतलब ई e साइलेंट होता है और उसके पहले जो वॉवल आ रहा है वो अपना लॉन्ग साउंड बोलता है जैसे आई का लॉन्ग साउंड आई है और शॉर्ट साउंड ई है तो यहां पर हम उसे लॉन्ग साउंड पढ़ेंगे आई और मैजिक ई इसे क्यों बोलते हैं क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि ई e उसके पहले वाले वॉवेल पर मैजिक करता है और पहले वाला वॉवल अपना नाम बोलता है न कि उसका साउंड सो आई का नेम क्या है आई और उसका साउंड क्या है ई e. तो वो अपना साउंड छोड़कर अपना नेम बोलता है जब ई e उसके ऊपर मैजिक करता है तो इसे हम बोलते हैं मैजिक ई या फिर साइलेंट ही मैजिक ही और साइलेंट ही दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम है सिर्फ उसको बताने का तरीका अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है सो so, इसे हम समझते हैं जब हम कोई थ्री लेटर वर्ड देख रहे हैं जैसे कि कॉन्सोनेंट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट जब होता है तो बीच में जो वॉवल आ रहा है उसका साउंड हमेशा शॉर्ट साउंड होता है न कि लॉन्ग साउंड वॉवल के दो साउंड होते हैं हमेशा एक शॉर्ट साउंड और एक लॉन्ग साउंड तो यहाँ पर आई का साउंड शॉर्ट साउंड है वो है ई और यहाँ पर आई का साउंड लॉन्ग है वो है आई तो इसे कैसे पढ़ेंगे इ किट यहाँ स्पेलिंग लिख रहे हैं उस समय भी हमें ध्यान रखना है या बच्चों को समझाना है कि जब आप किट सुन रहे हो शॉर्ट वॉवल साउंड सुन रहे हो तो आपको आई लिखना है और उसके बाद ई नहीं लगाना है बट आप अगर आप लॉन्ग वावल साउंड सुन रहे हो काइट सुन रहे हो तो आपको लास्ट में ई लगाना है किट सुन रहे हो तो आपको लास्ट में ई नहीं लगाना है इंग्लिश में फाइव वॉवल्स होते हैं सो so हमने एक वॉवल के बारे में देखा अब हम और भी जो फोर वॉवल्स हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं टैप यहाँ ए का शॉर्ट साउंड है ए तप टैप बट जैसे ही मैजिक ही हमने यूज किया वैसे ही इसका साउंड लॉन्ग हो गया टेप और स्पेलिंग लिखने टाइम में हमें याद रखना है कि अगर हम ए सुन रहे हैं तो ए लिखना है अगर हम ए सुन रहे हैं तो लास्ट में मैजिक ई यूज करना है नाउ लेट्स सी फॉर वॉवेल ई द द देम इज दीज यहां पर ई e का शॉर्ट साउंड है ए और यहां पर ई e का लॉन्ग साउंड है दीज ई e का लॉन्ग साउंड ई होता है सो यहां पर लॉन्ग साउंड है नाउ न ऑर्थ नॉट यहाँ पर ओ का शॉर्ट साउंड है और न ओट नोट यहाँ पर ओ का लॉन्ग साउंड है क कब कू ब क्यूब ये मैजिक ई का कॉन्सेप्ट है तो जहां आप शॉर्ट साउंड सुनते हैं वहां लास्ट में ई नहीं लगाना है और जहां भी बॉवेल का लॉन्ग साउंड सुन रहे हैं वहां पर हमें लास्ट में ई यूज करना है हमारा अगला रूल है सॉफ्ट सी एंड हार्ड सी Soft C का मतलब होता है जब सी का साउंड होता है, मतलब जब C, S का कर रहा है। और हार्ड सी का मतलब होता है सी का जब साउंड होता है मतलब सी के का साउंड कर रहा है सो so, इसी को ही बोलते हैं सॉफ्ट सी एंड हार्ड सी इसे सॉफ्ट सी एंड हार्ड सी क्यों बोलते हैं क्योंकि बोलने के समय हमें सिर्फ माउथ से आवाज़ निकालनी पड़ रही है और क बोलने के टाइम में हमें अपने गले का भी यूज़ करना पड़ रहा है सो ये थोड़ा हार्ड हो रहा है हमारे लिए बोलना इसीलिए इसे, इसे हार्ड सी बोलते हैं और इसे सॉफ्ट सी बोलते हैं इंग्लिश में फाइव वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू और वाई वॉवल का साउंड करता है वॉवल आई का साउंड करता है ये हमने पहले देखा है सो so, जब सी ए ओ और यू वॉवल्स के साथ में आता है तो उसका साउंड होता है जैसे कि कैट कैट कट कॉट ये तो वॉवल्स थे बट कुछ कॉन्सोनेंट्स भी हैं जिसके साथ में अगर सी आता है तो उसका साउंड होता है जैसे सी एल के साथ आता है तो एंड सी आर के साथ आता है तो तो उसका साउंड होता है जैसे क्लॉक एंड क्रैक जब भी हम ए यू ओ एल एन आर के साउंड के पहले साउंड के पहले ओके नॉट ओनली लेटर्स साउंड के पहले अगर हम क, सुन रहे हैं तो हमें सी लिखना है एंड के नहीं लिखना है अब हम देखते हैं सॉफ्ट सी के बारे में सी जब आई ई एन वाई के साथ आता है तो इसका साउंड होता है मतलब कि सॉफ्ट सी होता है इसका साउंड हो रहा है तो इसके वर्ड्स हैं सिटी सेल एंड साइकिल सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है अगर ये रूल आप समझ लेते हैं और बच्चों को भी समझाते हैं तो बच्चे काफ़ी ईजिली स्पेलिंग लर्न भी कर पाते हैं और रीड भी कर पाते हैं नाव इसी तरह का एक और रूल है सॉफ्ट जी एंड हार्ड जी का जहां पर जी का साउंड ज एंड जी का साउंड ग दोनों होता है सॉफ्ट जी का मतलब जहाँ पर जी का साउंड ज होता है हार्ड जी का मतलब जी का साउंड ग होता है जिस तरह हमने सी के बारे में देखा उसी तरह हम जी के बारे में भी देखते हैं जी का साउंड जब ज होता है तो हमें सिर्फ माउथ से बोलना पड़ता है ज हमें गले से नहीं बोलना पड़ रहा है बट जी का साउंड जब ग होता है तो हमें गले से बोलना पड़ता है ग इसलिए इसे सॉफ्ट जी और इसे हार्ड जी बोलते हैं सेम वे में जैसे हमने सॉफ्ट सी एंड हार्ड सी का रूल समझा वैसे ही सॉफ्ट जी एंड हार्ड जी का भी रूल है अगर जी ए ओ एन यू के साथ में आता है तो उसका साउंड हार्ड होता है ग होता है एंड द सेम वे आर एंड एल के साथ भी जब जी आता है तो उसका साउंड हार्ड होता है ग बट अगर जी आई एन वाई के साथ आता है तो इसका साउंड ज होता है जेल जिराफ जिम कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि गर्ल एंड गेट सो ये थे स्पेलिंग रूल्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये सारे रूल्स पता चले और वो भी अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों को शेयर कर सकें खुद भी सीख सकें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी सिखा सकें अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे पेज को फॉलो कीजिए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो